लाज के हत्यारे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। वैशाली जिले के हाजीपुर में गुलनाज के साथ हुए घटना ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। दरअसल गुलनाज को जिंदा जलाकर उसे मारने की जो घटना है, अब वो तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक पर महिला संगठनों के सदस्य और भाकपा ने विरोध प्रदर्शन किया है और गुलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग की है। साथ ही साथ उन तमाम आरोपियों को स्पीडी ट्रायल करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है और उन तमाम अधिकारियों को भी बर्खास्त करने के लिए कहा है जिन्होंने इस मुद्दे को दबाए रखा था। और सरकार से भी यह मांग किया है कि गुलनाज की मां को सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि गुलनाज के पिता नहीं और बेहद वो गरीब परिवार से आती हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए। महिला संगठनों के सदस्य ने इसके साथ ही बिहार सरकार से चुप्पी तोड़ने का भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार अब जो है इस मामले में चुप्पी तोड़े और इस पूरे प्रकरण में जो है वो जवाब दे। विशेष क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। प्रदर्शन करने आए हैं, आपको पता है कि वैशाली में गुलनाज को जला कर हत्या कर दी गई और बिहार के तमाम जगहों पर लगातार महिलाओं पर हिंसक हमले हो रहे हैं। ये शर्मनाक शर्मनाक हादसा के बावजूद बिहार सरकार इस पर नाम आज ये जो प्रदर्शन महिला संगठनों का है, इसके पहले भी लगातार बिहार में गुलनाज के न्याय के लिए प्रदर्शन जारी है। बिहार शरीफ से लेकर के हाजीपुर से लेकर के पूरे बिहार में 18 तारीख को एयरपोर्ट रोड से विभिन्न महिला संगठन यहाँ पे खड़े थे। गुलनाज से हमारी उत्साह मंच की महिला संगठनों की भाजपा पहले की टीम भी गई थी। इस प्रोटेस्ट के अलावा विधानसभा में भी सवाल उठ रहा है। हम मांग करते हैं कि गुलनाज की माँ को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि बहुत ही निर्धन परिवार से उनके पति नहीं है। हम मांग करते हैं कि जो तमाम अपराधी हैं वो गिरफ्तार करके उनको स्पीडी ट्रायल करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं कि जो इस घटना को छुपाए रखा गया, इलेक्शन के मद्देनजर इस घटना को चुप्पी साधे रखा गया, वो प्रशासनिक पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। विरोध किया जाता है तो स्मृति को जला करके मार दिया जाता है और बिहार की सरकार और इनकी पुलिस केस तक दर्ज नहीं करती है। 17 दिनों तक वो पूछती रहती है पीएमसीएच के अंदर में और वो मर जाती है। सरकार को कोई सुध नहीं लेना होता है और वो बेटी अंततः इस व्यवस्था की शिकार होती है, प्राण देती है और तब भी कोई गिरफ्तारी नहीं होता है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब जाकर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई है, लेकिन अभी तक उस परिवार को सुरक्षा और तो आपने सुना महिला संगठन ने जो बयान दिया है उसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिला संगठन की जो सदस्य है वो काफी आक्रोशित है। साथ ही साथ जो भाकपा के सदस्य उन्होंने भी गुलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग की और कहा है कि अगर गुलनाज को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो जाके सदन में भी इस चीज का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।